वेलकम टू फिल्म पॉइंट दोस्तों, आज है सैटरडे और हर सैटरडे को हम लोग लेकर आते हैं ओटीटी अपडेट्स की एक वीडियो। तो काफ़ी सारी फिल्मों की ओटीटी अपडेट्स मेरे पास आ चुकी है जो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना। पूरी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसी अपडेट हम हर शनिवार को आपके लिए लाते ही रहते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं स्टार्ट और बात करते हैं पहले अपडेट्स की, जिसका नाम है किंग ऑफ कोथा। दोस्तों, इस फिल्म की हिंदी ओटीटी रिलीज डेट भी कंफर्म होगी। अब ये फिल्म हिंदी लैंग्वेज में 20 अक्टूबर से डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी। अगला रिलीज है दोस्तों द नन 2 का, जो कि एक हॉरर फिल्म थी और इस फिल्म की भी ओटीटी रिलीज डेट कंफर्म होगी। ये फिल्म 19 अक्टूबर से इंडिया में बुक माई शो स्ट्रीम पर हिंदी लैंग्वेज के साथ रेंटल बेसिस पर अवेलेबल हो जाएगी। इसी के साथ साथ दोस्तों द एग्जॉर्सिस्ट बिलीवर, इस फिल्म की भी ओटीटी रिलीज डेट कंफर्म होगी। ये फिल्म 24 अक्टूबर से रेंटल बेसिस पे बुक माई शो स्ट्रीम पर हिंदी लैंग्वेज में देखने को मिल जाएगी, ये अच्छी बात है। इसी के साथ साथ दोस्तों, ओपनहाइमर फिल्म के लिए काफ़ी सारे कमेंट आते थे कि ये फिल्म ओटीटी पर कब रिलीज़ होगी, तो इसकी भी ओटीटी रिलीज डेट कंफर्म होगी। ये फिल्म 21 नवंबर को वीओडी पर रेंटल बेसिस पर देखने को मिल जाएगी हिंदी लैंग्वेज में। अगला रिलीज है दोस्तों फुकरे 3 का, इसकी भी ओटीटी रिलीज डेट कन्फर्म होगी। ये फिल्म 23 नवंबर को अमेज़न प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। इसी के साथ साथ दोस्तों, परमानेंट रूममेट्स, जो कि एक रोमांटिक ड्रामा सीरीज थी और इस सीरीज़ का सीजन 2 रिलीज होने जा रहा है 18 अक्टूबर से अमेज़न प्राइम वीडियो के प्लेटफॉर्म पर। अगला रिलीज है एस्पिरेंट्स का सीजन 2, जो कि आपको 25 अक्टूबर से अमेज़न प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ साथ दोस्तों, शहजादे फिल्म का टीवी प्रीमियर होने जा रहा है जल्द ही गोल्ड माइंस के चैनल पर। गोल्ड माइंस ने इस फिल्म को अपने कमिंग सून सेक्शन में ऐड कर लिया है। इसी के साथ साथ दोस्तों, थैंक यू फॉर कमिंग, इस फिल्म के लिए काफ़ी लोग वेट कर रहे हैं कि ये ओटीटी पर कब आएगी। तो आप सबको पता ही है कि इसके जो ओटीटी राइट्स हैं वो नेटफ्लिक्स के पास हैं और इसकी जो एक्सपेक्टेड डेट निकल कर सामने आ रही है वो है 17 नवंबर। मीडिया हाउसेस की तरफ से इस डेट को कन्फर्म कर दिया गया है, बट अभी तक नेटफ्लिक्स ने इसे कन्फर्म नहीं किया है। वेट करते हैं इसके नेटफ्लिक्स कन्फर्मेशन का, जब आ जाएगी हम आपको बता देंगे। इसी के साथ साथ दोस्तों, दुरंगा का सीजन 2 भी रिलीज होने जा रहा है G5 के प्लेटफॉर्म पर 24 अक्टूबर से। जी हां, इसकी ऑफिशियल रिलीज डेट आ चुकी है, ये आपको 24 अक्टूबर से G5 पर देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, जे तेरे नाल प्यार ना हुंदा, जो कि एक पंजाबी लैंग्वेज रोमांटिक ड्रामा फिल्म थी, अब ये ओटीटी प्लेटफॉर्म हंगामा प्ले ऐप पर रिलीज हो चुकी है, इसे आप जाकर देख सकते हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों, काफ़ी सारे कमेंट आ रहे हैं सकंदा फिल्म को लेकर। दोस्तों, इस फिल्म के जो ओटीटी राइट्स हैं वो डिज्नी प्लस हॉटस्टार के पास हैं और इसकी भी ओटीटी रिलीज डेट 99.9% कन्फर्म हो गई। ये फिल्म 27 अक्टूबर को रिलीज की जाएगी, बट अभी तक चैनल की तरफ से कोई भी कंफर्मेशन नहीं आई, जैसे ही आएगी हम आपको बता देंगे। इसी के साथ साथ दोस्तों, टॉबी फिल्म के भी काफ़ी सारे फैंस इंतजार कर रहे हैं ओटीटी का, तो आपको बता दें ये फिल्म भी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज होनी है और इसकी जो एक्सपेक्टेड डेट निकल कर आ रही है वो 20 अक्टूबर की निकल कर आ रही है। कन्फर्मेशन मीडिया हाउसेस की तरफ से कर दी गई है, बट चैनल कन्फर्मेशन अभी तक नहीं आई, जैसे ही आएगी हम आपको बता देंगे। अगला रिलीज है ड्रीम गर्ल 2 का, इसकी भी ओटीटी रिलीज डेट 99.9% कंफर्म हो गई। ये फिल्म 20 अक्टूबर को नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाएगी, जल्द ही नेटफ्लिक्स की तरफ से ऑफिशियल कंफर्म कर दिया जाएगा। अगला रिलीज है चिड़िया द चंबा। दोस्तों, ये फिल्म 13 अक्टूबर को थिएटर्स में रिलीज हुई थी, ये एक पंजाबी फिल्म है और इस फिल्म के ओटीटी राइट्स किसके पास हैं, ऐसे काफ़ी सारे कमेंट मेरे पास आ रहे हैं। तो आपको बता दें, जो इस फिल्म के ओटीटी राइट्स हैं वो चौपाल टीवी के पास हैं और ये फिल्म आपको दिसंबर के सेकंड वीक तक देखने को मिल जाएगी। अगला रिलीज है ट्रांसफॉर्मर्स राइज ऑफ द बीस्ट, ये फिल्म आपको अभी तक रेंटल बेसिस पे अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल रही थी, बट 20 अक्टूबर से सारे सब्सक्राइबर्स के लिए ये फिल्म फ्री कर दी जाएगी अमेजॉन प्राइम वीडियो की तरफ से। इसी के साथ साथ दोस्तों, चंद्रमुखी 2, दोस्तों इसकी ओटीटी अपडेट्स की तो कोई भी अपडेट नहीं आई अभी
अभी तक, बट इसका एक लो क्वालिटी प्रिंट मार्केट में लीक हो गया है, ये अब आपको जुगाड़ू प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा दोस्तों मामा महेश चंद्र जो कि एक तेलुगु फिल्म है, इस फिल्म की भी OTT रिलीज डेट कन्फर्म होगी। ये फिल्म 20 अक्टूबर से प्राइम वीडियो के प्लेटफॉर्म पर साथ साथ आह वीडियो के प्लेटफॉर्म पर भी रिलीज कर दी जाएगी। तो दोस्तों ये थी अपडेट फिल्मों की जो हमारे पास थी। जैसे कोई नई फिल्मों की अपडेट आएगी फिर मिलेंगे शनिवार को नई वीडियो के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को करिए लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। चलिए दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।